आप नादिया खान शो जी और फिर मजे से हैप्पी मदर्स डे बुशा जी, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। बहुत स्वीट है, मुझे आपका कलर बहुत पसंद है जो आपने पहना है बुशा जी। शुक्रिया। अच्छा बुशा जी, आप बताएं आज आप क्यों इतनी खुश हैं? माशाल्लाह आप तो एक माँ हैं, एक तो वजह मैं समझ सकती हूँ, और उस माँ की के लिए फख्र की बात क्या है उसके बच्चे में, उसकी बेटी में, ये बताइए। जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है, बस उसे म्यूजिक का शौक ले गया इस तरफ। अच्छा, तो अभी जब भी इसके साथ कहीं भी आती जाती हूँ, लोग तारीफ करते हैं तो खुशी होती है मुझे कि मेरी बच्ची इतनी काबिल हो गई हुई है। और म्यूजिक का वैसे हमारे यहाँ क्योंकि लोग पसंद नहीं करते कि जी बच्चे म्यूजिक में जाए, खासकर बेटियों का और बेटियों का, बेटियों का खास। तो उषा जी, आप की फैमिली में क्या रिएक्शन था जब वो म्यूजिक पढ़ाना चाहती थी, म्यूजिक की तरफ गई तो? नहीं, मेरी फैमिली वालों ने किसी ने इतराज नहीं किया, मगर इस बच्चे का जुनून और शौक देख के तो हम लोगों ने यही बोला कि ठीक है, अगर इस तरफ इसकी है शौक तो पूरा कर देते हम लोग। बहुत स्पेशल है बुशा जी की बेटी, बहुत प्यारी, बहुत टैलेंटेड। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको, जरा देखिए, आप भी देखिए। अगर हौसले हो बुलंद और हो मन में कुछ हासिल करने की लगन, तो कोई मुश्किल, कोई महरूमी राह में रुकावट नहीं बनती। आलिया रशीद एक ऐसी ही मिसाल है जिन्होंने अपनी बिनाई की महरूमी को अपनी मौसीकी सीखने की लगन में हायल नहीं होने दिया। अपने इसी शौक की तकमील के लिए कम उम्री में ही उन्होंने रियाज शुरू कर दिया। लोगों की हौसला शिकनी के बावजूद वो अपने इरादों में डटी रहीं और भारत जाकर गुंडेचा ब्रदर्स की शागिर्दी इख्तियार की। वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने क्लासिकल मौसीकी की ध्रुपद सिंफ में कमाल हासिल किया। आज वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आने वाली नस्ल को मौसीकी के साथ साथ महरूमियों से लड़ने के राग भी सिखा रही हैं। माशाल्लाह, तो बहुत ही स्पेशल है आलिया। मैं कहा था बिल्कुल मैं इमोशनल नहीं होंगी आज, लेकिन आलिया की अचीवमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बुशा जी, यू आर सो लकी। और आलिया के बारे में बताएं, और बताएं उनके बारे में, उनकी आंखों के बारे में उसकी बताएं, कैसी है, जिद करती है, अच्छी बच्ची नहीं, है, जिद करती, करती है तो अच्छी बच्ची है, सब बहन भाइयों के साथ बड़े प्यार से रहती है, माँ को भी नहीं इतना तंग करती, मगर इसकी कोई हर काम तो मैं कर देती हूँ इसके, बाहर आने जाने की, अगर इसने कहीं भी जाना है मेरे साथ जाना है या अपने भाई के साथ जाना है तो जब इसके सारे काम पूरे हो जाते फिर इसने जिद कैसे करती है, जिद नहीं करती कोई भी हम लोगों के साथ। आप और क्या चाहती हैं आलिया, कहाँ तक अपने शौक को लेके जाए? माशाल्लाह पढ़ा तो रही और बहुत अच्छी जगह। वो कहती है अभी तो मम्मी मैंने और सीखना है, अभी तो कुछ भी नहीं मैंने सीखा। इंडिया जाती है अभी भी, साल में दो दफा चक्कर लगाती है इंडिया, पाकिस्तान भी हर जगह, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरात, कहीं भी इसका जाना मैं साथ जाती हूँ। सबसे ज्यादा आपके लिए फखर का टाइम कब था, सबसे ज्यादा खुशी आपको किस वक्त हुई? जब ये सीख के चार साल बाद पाकिस्तान में आई, इसके उस्ताद ने मुझे इंडिया बुलाया चार साल के बाद। जी मैं खैर मिलते हैं अब इतनी प्यारी बेटी से, इतनी टैलेंटेड लड़की से, आलिया रशीद। हक करना, ठीक है, पापा करना, खूब लाडियां करना। हैप्पी मदर्स डे जी। आलिया टीचर भी हैं तो जरा मुझे ध्यान से भाई, अली टीचर इन द रूम। यस मैम। यस मैम। आलिया आपको हैप्पी मदर्स डे। मैं भी
अपनी अम्मी को और तमाम जितने भी मदर्स हैं सबको मैं कहती हूँ हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, कैसी हैं आपकी अम्मी? अपनी अम्मी के बारे में हमें बताएं। हम तो तुमने थोड़ी सी बात की, जरा ज्यादा जानना चाहते हैं आपकी मम्मी के बारे में। बहुत ही सादा खातून, और आप ये देखें कि बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह होते हैं कि जो अपने स्पेशल पर्सन की उस तरह केयर नहीं करते। और मैं यहाँ पे बड़े फख्र से ये कहूंगी कि ये अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है कि मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे साथ शाना बशाना मेरे साथ चल रही हैं। और पहले जिस तरह मैं बताती चलूं कि हम लोग हमारे रहायश गुजरांवाला में थी, तो मैंने अपनी अम्मी से ये कहा कि अम्मी मैं लाहौर पढ़ती हूँ, तो जिस तरह दूसरे बच्चे जो हैं वो स्कूल में सब जगह पढ़ ही रहे हैं तो आप भी आप लाहौर तशरीफ ले आए। फिर मेरी अम्मी मेरी वजह से जो है वो 1998 में लाहौर तशरीफ लेकर आए और सारे लाहौर में सेटल हुए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह मुझे इंडिया जाने का शौक था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने सपने में कि मैं इंडिया जाऊंगी, वहां पे जाके म्यूजिक सीखूंगी। और इसमें सबसे बड़ा किरदार मेरी अम्मी का है, क्योंकि क्या है कि मेरी अम्मी ने जब मेरे वालिद साहब से बात की कि भाई इसको इंडिया भेजना है, वहां जाके म्यूजिक सीखना है या कुछ करना है, तो मेरे वालिद साहब ने थोड़ा सा जरा एतराज किया था। तो फिर मेरी अम्मी ने जो है इस चीज को, बल्कि यहां मैं ये कहूं कि झूठ बोला मेरे वालिद साहब से। पहले ये कहा कि एक साल का वीजा जो है लगा है तो आ जाएगी एक साल बाद वापस। एक साल बाद जब मेरे अब्बू ने पूछा अम्मी से, हाँ भाई ये एक साल हो गया क्यों नहीं आई, फिर अम्मी ने कहा कि नहीं भाई अब एक साल का और वीजा पड़ गया। तो आप ये देखें कि ये ग्रेटनेस देखिए आपकी। अच्छा, दो साल औलाद के लिए झूठ बोलना खैर है, बिल्कुल। और आप ये देखिए कि दो साल के बाद जब वो मेरे अब्बू पाकिस्तान आए तो उन्होंने पूछा, हाँ भाई आप तो कह रही थी कि भाई दो साल गुजर गए तो आ जाएंगे, अब बताएं भाई क्यों नहीं आई मेरी बेटी। वो कहते हैं ना कि अब सच कितनी देर छुपाया जाता है। फिर मेरी अम्मी ने जो है ये आप ग्रेटनेस देखिए कि उन्होंने सच आखिर बता ही दिया। तो उस वक्त तो मेरे अब्बू को गलबन गुस्सा तो आया होगा, ऑफकोर्स जाहिर बात है कि एक वो फीलिंग्स उस वक्त होती हैं कैसी होती हैं। लेकिन दूसरे दिन मेरी अम्मी से अब्बू ने ये कहा कि तुमने जो कुछ किया है ठीक किया है, अगर मैं इस जगह होता तो शायद मैं भी वो ना कर पाता। तो मैं इसलिए मैं अपनी अम्मी की जो है इस एफर्ट्स को मैं बहुत ही मैं इनकरेज करती हूँ। मैं कहती हूँ आई लव माय मॉम। ये प्यारे अल्फाज में आपने अपनी मम्मी के बारे में बताया। और पता आपको आपकी मम्मी बहुत खूबसूरत है? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत भी हैं और आपसे बहुत प्यार करती हैं। जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगी और मम्मी को कुछ विश करना चाहेंगी, स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी, जो बात आप कहना चाहती थी आज कह दें अपनी मदर से? मैं यही है कि मैं जैसे कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें और करती रहें कि मुझे जो मेरे मकासद हैं उसमें मुझे कामयाब करें, क्योंकि माओं की दुआएं जो हैं वो बड़ी जल्दी सुनी भी जाती हैं। और मैं यही कहूंगी कि मेरे लिए दुआ भी करें और मेरे शाना बशाना मेरे साथ चलती रहें। वेरी नाइस। तो आलिया आप आगे करना क्या चाहती हैं? और अभी माशाल्लाह टीचिंग कर रही हैं, इंडिया भी जाती हैं, सीखती हैं वहाँ से, गोल क्या है? इंडिया के अलावा मैं दूसरे ममालिक में भी जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स का। जी, और आपके कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, कैसी हैं मैडम? इनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा फर्स्ट ईयर में। इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और जो जो मेथडोलॉजी है इनकी टीचिंग की वो बहुत अच्छी है और काफी अच्छे तरीके से टीच करती हैं, एक एक चीज को बहुत एलेबोरेट करती हैं। और जो रियाज इन्होंने हमें करवाया वो आगे भी काम आ रहा है। और वी लव यू मैम। लव यू मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप टीचर का, आपकी टीचर का जो ब्लाइंड होना, क्या ये आपको कहीं से लगता है कि जी टीचिंग मेथड में किसी तरह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ कमी हो जाती है, कुछ रह जाता है? इनका ब्लाइंड होना मेरे लिए एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम टू, इट वॉज एन इंस्पिरेशन। इट रियली पुश्ड अस, मोटिवेटेड अस टू डू व्हाट वी आर डूइंग।
बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी इन दिस फील्ड. और इनको देख के और इनके बारे में तो मैंने अपनी अम्मी को जब बताया कि हमारी टीचर है, शी इज ब्लाइंड बट शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सच ए ब्यूटिफुल पर्सन एंड शी इज द मोस्ट, द वे शी टीचेस इट्स जस्ट ब्रिलियंट, इट्स एन इंस्पिरेशन. वेरी नाइस. तो फिर कोई परफॉर्मेंस भी आप लोगों से आज हम सुन सकते हैं? परफॉर्म मैम करेंगी. टुनाइट आई विल बी प्लेइंग कीबोर्ड विद हर. ओह वाओ, लेटर इन द शो. यस जी, ये भी वजह है बहुत बड़ी के शो देखते रहिए, क्योंकि आलिया जी के स्टूडेंट्स यहाँ म्यूजिक प्ले करेंगे और आलिया जी हमें गाना सुनाएंगी. जी टेक अ ब्रेक हियर. इतना मजा आ रहा है ना, डिफरेंट सा शो है. खुशी हो रही है ऐसी माओ से मिलके, ऐसे बच्चों से मिलके. ब्रेक के बाद मिलिएगा जी मिसेस आयशा से और जानते हैं उनके बारे में कि वो आज क्यों इतनी झिलमिल झिलमिल चमक रही है, माशाल्लाह ग्लो कर रही है, इतनी खुश है. हैप्पी मदर्स डे टू यू एंड यू टू. सी यू आफ्टर द ब्रेक. जो क्रेजी होते हैं वो अचीव कर लेते हैं अपने पॉइंट्स को. गली के सारी माएं इकट्ठी हो गए, माएं घर आ गई कि ओए इनू बचाए.